वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द रोड। मतलब कि किसकी कहानी है? रोड की, एक सड़क की कहानी है। जैसे हर एक इंसान की, हर एक चीज की अपनी एक कहानी होती है, तो इसी तरह से इस पोइम में एक सड़क की कहानी बताई हुई है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप सब अपनी कॉपी, पेंसिल और बुक साथ में निकाल लेंगे, और जो भी मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी आप सब उनको मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, और उन सबको आपने याद करना है, तभी आपको जो है इंग्लिश को अच्छे से आप जान पाओगे और वर्ड्स की हिंदी में या वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह से आगे के सारे चैप्टर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ द रोड। इट इज अर्ली मॉर्निंग, ये जो है वो सुबह सवेरे का समय है। ठीक है, कि सुबह सुबह का समय है। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। द रोड इज अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोई हुई। ठीक है, जो रोड था, जो सड़क थी, वो सोई हुई थी क्योंकि सुबह सुबह का समय था। एवरीथिंग इज क्वाइट, कि हर एक चीज जो थी वो शांत थी। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है खामोश और शांत। तो यहाँ पे हमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है वो क्या थे? अर्ली मॉर्निंग का तो आपको मतलब पता है सुबह होता है। अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोई हुई। ठीक है, कि जो सड़क थी वो सोई हुई थी। उसके बाद हमने एवरीथिंग इज क्वाइट, क्वाइट का मतलब हो गया खामोश, कि हर एक चीज जो थी वो बिल्कुल खामोश थी, या हम बोल सकते हैं शांत थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? बट लिसन, यहाँ पे बोला है बट लिसन, परंतु सुनो। लिसन का मतलब होता है सुनना, सुनो। द वर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, कि जो पक्षी हैं वो कोमल स्वर में बुला रहे हैं। वर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, कोमल। सॉफ्टली का मतलब होता है सॉफ्ट, का मतलब होता है कोमल। कॉलिंग का मतलब होता है बुलाना, वर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो जो पक्षी हैं वो कोमल स्वर में बुला रहे हैं। चिरप 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 से द स्पैरो, की जो चिरप चिरप चिरप, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कौन बोल रहा है ऐसा? चिड़िया। स्पैरो का मतलब क्या होता है? चिड़िया होती है, वो कहती है चिरप चिरप चिरप। ठीक है, जो चिड़िया होती है वो चिरप 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 करती रहती है। ठीक है, चीं चीं आपको आवाज आती है सुबह। कौ 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 सेज द क्रो, कि जो कौवा होता है वो क्रो 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 करता रहता है। कौ 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 वेकअप वेकअप, वो बोलता रहता है कि वेकअप वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठो। ठीक है, कौवा बोलता है उठो, मतलब कि जागो जागो। वेकअप मतलब होता है जागो, जाग जाओ। ठीक है, तो वो जागो जागो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या डिफिकल्ट वर्ड्स आए हमारे पास? कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब होता है बुला रहे, बुला रहे। कौन क्या थे? सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब कोमलता। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब कोमल और सॉफ्ट मतलब कोमलता से, कोमल स्वर में। ठीक है, कॉलिंग कर रहे थे उनको, बुला रहे थे। वर्ड्स कॉलिंग सॉफ्टली, की वर्ड्स जो थे वो कोमल स्वर में बुला रहे थे। चिरप 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 किसने कहा था? स्पैरो। स्पैरो का मतलब आपको पता होगा चिड़िया हो गया। और वेकअप का मतलब होता है जागो। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या है? Here is someone else now, कि यहाँ पे जो है वो कोई और भी है। ठीक है, कि अब कोई और आवाज दे रहा है। ठीक है, Here is someone else now, कि यहाँ पे जो है अब कोई और भी है। Someone else का मतलब होता है कोई और। ठीक है, कि अब यहाँ पे कोई और भी है। Now का मतलब होता है अब। Tring a ling, tring a ling, किस तरह की आवाज आ रही है? Tring tring। और इट इज अ न्यूज पेपर बॉय, ये कौन है? जो अखबार बेचने वाला जो लड़का है ये वो है। ठीक है, ये कौन है? उस ये समाचार पत्र बेचने वाले लड़के की आवाज है, क्योंकि वो साइकिल के ऊपर जो है वो बेचता है, तो उसकी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज है। आपको अपनी सड़क अपनी बुक के ऊपर दिख रहा होगा ये लड़का। ठीक है, जो न्यूज पेपर बेच रहा, न्यूज पेपर को हम हिंदी में बोलते हैं समाचार पत्र। तो यहाँ पे आपको डिफिकल्ट वर्ड आया समवन एल्स। ठीक है, समवन एल्स का मतलब होता है Someone else का मतलब होता है कोई और। ठीक है, कि अब यहाँ पे बोले कि कोई और भी है। ठीक है, Here is someone else now, कि यहाँ पे कोई और भी है। Tringling, किस तरह की आवाज आ रही है? इट इज अ न्यूज पेपर बॉय, न्यूज पेपर बॉय का मतलब है कि ये एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का है। फिर आगे क्या बताया गया है? फिर है ट्रिंगलिंग,
स्विंगलिंग सेज हिज बाइसाइकिल। तो ये आवाज किससे आ रही है, उसकी साइकिल से आवाज आ रही है, ठीक है। बाइसाइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल। ट्रिंगलिंग वेकअप, वो जो ट्रिंगलिंग बोलती हुई है वो क्या कर रही है, ट्रिंगलिंग वेकअप, वेकअप मतलब जागो, ट्रिंगलिंग जागो, किस तरह से ट्रिंग ट्रिंग करके वो बोल रहा है, जो आवाज है वो बोल रही है कि जागो, उठो कि सवेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद है चिरप 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 से द स्पैरोज, चिरप 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 कौ 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 सेज द क्रो वेकअप, की जो चिरप 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 कौन बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, कौ कौ कौन बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, और बोल रहा है कि जागो, साथ में बोल रहा है कि जागो। हु इज कमिंग नाउ, अब आ गया है कि अब कौन आ रहा है, हु का मतलब होता है कौन, कमिंग का मतलब होता है आ रहा है, नाउ अब, ठीक है, कि अब कौन आ रहा है, ठीक है। तो इस वेरे में जो हमने पढ़ा इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं आया है। वेक का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि जागो होता है, बाइसिकल का मतलब आपको पता होगा जिसको हम साइकिल बोलते हैं हिंदी में, ये सब मैंने आपको पहले भी करवा दिया। आगे अब हम चलते हैं अगले पहरे के, हु इज कमिंग नाउ, कि अब कौन आ रहा है। कमिंग का मतलब आपको मैंने बहुत बार बता दिया, कम का मतलब होता है आना, कमिंग अगर आईएनजी हो गया मतलब कि आ रहा है, वो अभी कोई काम हो रहा है, जैसे कि वो आदमी आ रहा है, आपको अपने बुक में दिख रहा हो कि आदमी भी आ रहा है अभी, तो हम यहाँ पे होगा हु इज कमिंग नाउ, हु का मतलब होता है कौन, नाउ कौन हो गया अब। इट इज अ, इट इज द वेजिटेबल मैन, कि वो कौन है, वह सब्जी बेचने वाला है, वेजिटेबल मैन मतलब हो गया सब्जी बेचने वाला, ठीक है, सब्जी वाला, सब्जी बेचने वाला, ठीक है। पीज कलीफ्लावर्स कैबेज सेज द वेजिटेबल मैन, कि जो वेजिटेबल मैन है, जो सब्जी बेचने वाला है, वो क्या बोल रहा है, से का मतलब होता है बोलना, क्या बोल रहा है वो, पीज का मतलब होता है मटर, कलीफ्लावर का मतलब होता है गोभी, कैबेज का मतलब होता है बंद गोभी जो होती है, ठीक है। वो पुकार रहा है कि मटर गोभी बंद गोभी, ठीक है, जो सब्जी वाला है। उसके बाद है पोटैटोस कुकुम्बर रेडिश कैरेट्स, तो फिर उसके बाद वो बोल रहा है आलू, ठीक है, पोटैटो का मतलब होता है आलू, कुकुम्बर का मतलब होता है खीरे, रेडिश का मतलब होता है, क्या होता है रेडिश का मतलब, मूलियां, कैरेट्स का मतलब होता है गाजरें, ठीक है। तो अभी इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं कि उसके पास क्या क्या है, आप सब ले लो, आप यहाँ पे दिख भी रहा होगा बंद गोभी है, गोभी है, फिर यहाँ पे इसके पास गाजर है, मूली है, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। और कौ जो है वो साथ में कौ कर रहा है सेज द क्रो, सेज द क्रो मतलब कि कौआ बोल रहा है क्या, वेकअप, और बोल रहा है कि उठो जागो, चिरप 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 से द स्पैरो, की जो चिड़िया है वो चिरप 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 कर रही है। तो यहाँ पे आपके जो डिफिकल्ट वर्ड है क्या है वो हम लिख लेते हैं। वैसे तो इस पोएम में ज्यादा, इस स्टोरी में ज्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। कमिंग नाउ मैंने आपको बहुत बार लिखवाया है कमिंग का मतलब, आप प्लीज पिछली वाली वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपको आगे आगे, आप अगर पिछली वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको आगे आगे उन वर्ड्स को याद कर लोगे, तो आपको हिंदी बनाना आसान होगा और आपको समझ में आएगा कि इस वर्ड में, इस सेंटेंस में क्या बोला गया है। वेजिटेबल मैन तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, वेजिटेबल मैन मतलब सब्जी वाला, ठीक है, या बोल सकते हो सब्जी बेचने वाला, ठीक है, सब्जी वाला, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेबल मैन। फिर आपको पीस कलीफ्लावर, ये तो सब्जियों के नाम है, आई थिंक आपको इनके मतलब पता होंगे, मैंने आपको बता भी दिया इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। ज्यादातर लोगों को कुकुम्बर का मतलब हिंदी में पता नहीं होता है, कुकुम्बर का मतलब, कुकुम्बर्स का या कुकुम्बर का मतलब होता है खीरे, ठीक है। और ये तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे जो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे है ट्रैम 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 ट्रैम, चैटर 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 हुआ डीज, कि ये जो है वो अब और कुछ आवाजें निकल रही हैं, वहां पे आ रही हैं, ट्रैम 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 की, चैटर 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 की, हुआ डीज, उन्होंने बोले कि ये कौन है, क्योंकि इस तरह की आवाजें जो है वो कौन निकालता, तो आपसे पूछा गया है कि ये कौन है, चू चू मतलब ट्रैप ट्रैप की आवाज आ रही है, चैटर चैटर की आवाज आ रही है, तो ये जो है वो कौन है, हु आर डीज, हु का मतलब क्या होता है कौन, डीज मतलब कि ये, ठीक है, ये कौन है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या है। उसके बाद है दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, ये कौन है, ये स्कूली बच्चे हैं, चिल्ड्रन मतलब हो गए बच्चे, गोइंग टू स्कूल क्या हो गए, जा रहे हैं, गो का मतलब होता है जाना, गोइंग का मतलब होता है जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, स्कूल को। ये जो है हमने बोला ना कि ट्रैप ट्रैप चटर चटर मतलब कि बातें करते हुए बच्चे जाते, चटर पटर की आवाजें होती रहती हैं, तो वो सब बोल रहे हैं कि वो कौन है, वो सब कौन है, वो स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल को जा रहे हैं, ठीक है। चटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, की टॉक स्कूल चिल्ड्रन, टॉक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन का मतलब स्कूली बच्चे,
कि ये जो है वो स्कूली बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, ये बातें कर रहे हैं। ट्रैम 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 गो देयर शूज, और जो ट्रैम 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 की आवाज आ रही है वो उनके जूतों की आवाज है, ठीक है, गो देयर शूज की उनके चलते हुए जो जूतों की आवाज है। पीज कैरेट कैबेज कॉल्स द वेजिटेबल मैन, की जो वेजिटेबल मैन है वो मटर गाजर और बंद गोभी की आवाजें लगा रहा है। चिरप चिरप की आवाज जो है वो चिड़िया लगा रही है। कौ कौ की आवाज जो है वो कौआ लगा रहा है। साथ में बोल रहा है वेकअप मतलब जागो। कौ 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 सेज द क्रो, कौन बोल रहा है, कौआ बोल रहा है। कौ 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 वेकअप, वो बोल रहा है कि कौ 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 करके वो बोल रहा है अपने, अब उस वो हमारी तरह तो नहीं बोल सकते ना हिंदी में या इंग्लिश में कि वेकअप ये जागो, तो वो अपनी कौ कौ की आवाज से उसका मतलब कि वो बोल रहा है कि वेकअप मतलब कि जागो। वेकअप आस्क द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्या है, जागो सड़क पूछती है, ठीक है। वेकअप तो आस्क द रोड, कि किसने, आस्क का मतलब होता है पूछना, द रोड किसने, जो सड़क है वो पूछती है। वेकअप ऐसे मतलब कि वेकअप मतलब इमोशन डालो आप इसके अंदर, ठीक है। वेकअप कि उसे हराने के साथ बोलती है जागो, सड़क पूछती है। कांट यू सी यू फुलिश वर्ड, वो बोलती है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो ए मूर्ख पक्षी। कांट यू सी, कांट का या कैन नॉट इसको बोल सकते हैं, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकना, ठीक है, सकता है ये सकती है, ठीक है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। यू सी, कांट यू सी मतलब कि क्या तुम देख नहीं सकते हो, सी का मतलब होता है देखना। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते हो। यू फुलिश वर्ड, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, तुम, यू का मतलब तुम, फुलिश वर्ड, वर्ड का मतलब पक्षी की, क्या तुम देख नहीं सकते हो मूर्ख पक्षी। आई एम वाइड अवेक, कि मैं पूरी तरह जागी हुई हूँ, ठीक है। जो सड़क बोल रही है, ये जो सड़क है वो बोल रही है कि आई एम वाइड अवेक, वाइड अवेक, अवेक का मतलब उठना, वाइड अवेक का यहाँ पे मतलब आया कि मैं पूरी तरह से जागी हुई हूँ, ठीक है। तो ये थी पोइम जो लिखी थी पॉले सेन गुप्ता ने, ठीक है। तो यही थी हमारी पोइम जो एक स्टोरी थी एक सड़क की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड आए होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, इनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हमने देख लिया था कि वो सब कौन थे, चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, और स्कूल का मतलब आप सबको पता है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे आपको पता है। और कोई यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड, हाँ आप फुलिश को लिख सकते हो, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और कोई शब्द आस्क भी मैं आपको बता देती हूँ, आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है, सॉरी पूछना, ठीक है, आस्क का मतलब होता है पूछना। फिर और कोई यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। फिर तो यही हमारे पास स्टोरी थी, कि स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो सड़क है वो उसकी स्टोरी है कि उसके ऊपर क्या क्या होता है सुबह सुबह, कि सुबह सुबह का समय है, सड़क जो है वो सोई हुई थी और पूरी तरह से शांति थी, पर क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि जो कोमल आवाज में जो पक्षी हैं वो गा रहे होते हैं या बुला रहे होते हैं, जो कौआ होता है वो को 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 करके जो बोल रहा है कि उठो उठो बोल रहा है कि जागो जागो, फिर वहां पे साथ साथ में जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो अपनी साइकिल की आवाज से टिंग टिंग करके बोल रहा है कि उठो, और वो न्यूज़पेपर वो समाचार पत्र बेच रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रिंग 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 किसकी आवाज थी, उसकी साइकिल की आवाज थी, और जो कौआ था, जो पक्षी थे वो चिरचिर कर रहे थे, और जो कौआ था वो कौ कौ कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे अब सब्जी वाला भी आ गया था सब्जी बेचने के लिए, जो अलग अलग सब्जियों के नाम बता रहा था जो कि उसके पास थी उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रैम ट्रैम और चटर चटर की आवाजें सुनी, अब वो पूछता है कि ये सब कौन है, तो वो सब कौन थे, वो बच्चे थे जो चटर मटर करके बातें कर रहे थे उसकी आवाज थी, और जो ट्रैम ट्रैम थी वो उनके चलते हुए शूज, शूज का मतलब आपको पता होगा जूतों की आवाज थी, और वेजिटेबल मैन फिर से वैसे अपनी सब्जियों के नाम ले लेके शोर होता है इसी तरह से सुबह। और यहाँ पे बोला गया है कि जो रोड बोलती है कि वेकअप, वो बोल रही है कि जागो बोल रहे हो, वो बोल रही है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं जो हूँ वो मूर्ख पक्षी की, मैं पूरी तरह से जागी हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, न्यू वर्ड्स हैं, वैसे तो मैंने आपको इनको मतलब बता दिया है पर यहाँ पे लिखवाई नहीं, मैं लिखवा दूंगी। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब होता है हिंदी में समाचार पत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुकुम्बर्स, तो कुकुम्बर का मैंने आपको मतलब बता दिया खीरे। उसके बाद नेक्स्ट है कैबेज, कैबेज का मतलब होता है
बंद गोभी, ठीक है। गोभी भी दो तरह की होती है, एक फूल गोभी होती है और एक बंद गोभी होती है। तो ये होती है हमारे पास बंद गोभी, ठीक है, जो कि ये वाली होती है, उसको हम बंद गोभी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पोटैटोस। पोटैटोस क्या होते हैं, तो आप सबको पता होगा पोटैटोस, आप सबने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं इन सबके मतलब निकल के। पोटैटो का मतलब होता है आलू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बोला है रेडिश। रेडिश का मतलब क्या होता है, अच्छा बताओ, रेडिश मूली होती है या गाजर होती है? रेडिश होती है मूली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कलीफ्लावर। तो कलीफ्लावर हो गया, फ्लावर से आपको पता लग रहा है कि फूल है, ठीक है। तो कलीफ्लावर का मतलब होता है हमारे पास फूल गोभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब लिखवा देती हूँ, यहाँ पे कलीफ्लावर का मतलब होता है फुल गोभी, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला शब्द है आपके पास जो है फुलिश। फुलिश का मैंने आपको मतलब बता दिया है मूरख, ठीक है, यहाँ पे लिखवाया मैंने आपको मतलब फुलिश का मूरख। तो ये दो इस पोएम के अंदर आए हुए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनकी मीनिंग थी। और आई होप आपको इस स्टोरी को पढ़ने में मजा आया होगा। आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की आगे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो नीचे रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और साथ में फिर आपको बेल का निशान नजर आएगा एक घंटी जैसे का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप जो इसको आपको अगली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अब कल हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।